नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल फैलता जा रहा है। अब लखनऊ से गाजीपुर पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों जगुआर, मिराज 2000 और सुखोई ने हैरतअंगेज करतब करके दिखाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद अवधि, भोजपुरी, मिश्रित बोली में पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ अपने भाषणों की शुरुआत की, तो कार्यक्रम स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 1857 के लड़ाई में यहां के लोग अंग्रेजन का छठी काय दूध याद देवाए दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोइरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब तीन साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर एक्सप्रेसवे पर एयर शो भी देखने को मिला। लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई और मिराज ने एयर शो के दौरान हिस्सा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जगुआर और सुखोई का जलवा दिखाई दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से AN-32 और साथ ही C-130J विमान की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां लैंड करते और टेक ऑफ करते हुए की दोनों तस्वीरें हमें, MiG-27 और तमाम जितने भी फाइटर प्लेन थे, इन सभी ने अपना कर्तव्य दिखाया, लैंड किया, टेक ऑफ किया, टच एंड गो प्रोग्राम भी किया। तो ये तमाम कर्तव्य करते हुए ये सारे फाइटर जेट्स दिखाई दिए। सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की और आगामी चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत की योजना बनाई। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सबसे पहले तो मैं सहारनपुर में आज जो आया हूँ, उसमें हमारा जो व्यापारी सम्मेलन है, उसमें हम व्यापारियों के साथ वार्ता करेंगे, उनको अपने दिन प्रतिदिन के जो उनके काम होते हैं उनमें क्या दिक्कत आ रही है, उनके इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट में कोई इशू है क्या, बिजली की दरों को लेकर के कोई इशू है क्या, जो GST का इशू है उसमें काफ़ी हमने सरलीकरण किया है। योगी जी ने एक बहुत अच्छी योजना पूरे प्रदेश को दी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें सहारनपुर को भी उन्होंने चुना है और सहारनपुर में जो लकड़ी का काम होता है, वुडन फर्नीचर, वो उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है, वो काम कहाँ तक पहुँचा, तो ये सब धरातल की जानकारी लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि हर वर्ग में हम अपनी पैठ बनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 नवंबर को राजधानी लखनऊ के रमाबाई पार्क में रोजगार गारंटी रैली करेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भारी भीड़ इकट्ठा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि आज अयोध्या में कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें सभी की जिम्मेदारियां तय करते हुए लखनऊ में भीड़ जुटाने के लिए भी सभी को काम सौंप दिए गए हैं और इस काम में सभी जुट भी गए हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार ने नौजवानों के अरमानों पर पानी फेरा है और बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 नवंबर को रोजगार गारंटी रैली आयोजित कर रही है, जिस रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से नौजवानों के अरमानों को, उम्मीदों का कत्ल करने का काम किया, बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का काम किया, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हों, शिक्षा प्रेरक हों, मिड डे मील के रसोइया हों, होमगार्ड के जवान हों, PRD के जवान हों, थाने के चौकीदार हों, इन सारे लोगों को जो वादा किया था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उनको धोखा देने का काम किया, उनके साथ नाइंसाफी करने का काम किया। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर क्या नीति है अरविंद केजरीवाल जी, यही बताने के लिए 28 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन करने पहुंचे सपा प्रवक्ता राजीव राय और उनके समर्थकों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अहिलाद के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल की मदद से सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि PM मोदी के उद्घाटन से पहले ही सपा प्रवक्ता राजीव राय ने एक्सप्रेसवे का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सपाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव का जो सपना था, इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली से लेकर पूर्वांचल के आखिरी जिले को जोड़ने का काम किया था, उसको समाजवादी पार्टी के काम को योगी और मोदी आधे अधूरे काम को
चुनाव से पहले उद्घाटन करके जो लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जिन्होंने 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिला जिसका शिलान्यास उद्घाटन किया हो, उस समाजवादी पार्टी के लोगों को हम याद दिलाना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि ये सपना अखिलेश यादव का है। 340 किलोमीटर की दूरी पर इज्जत घर की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी ने किसी माता बेटी बहन के लिए शौचालय का निर्माण कराने नहीं आया। क्या मोदी जी योगी जी बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस और किसी माता बेटी बहन को 340 किलोमीटर में शौचालय आ जाएगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई सुविधा नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने मऊ में किसानों के हित में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, जिसमें 200 ट्रैक्टर सोनी धापा के मैदान से निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, जिसका शुभारंभ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किया। वहीं ट्रैक्टर रैली को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश आज से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहा है। इसका उद्घाटन शुभारंभ प्रारंभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से हो रहा है। किसानों का उत्थान का प्रतीक है ट्रैक्टर, उनके शौर्य का प्रतीक है ट्रैक्टर, उनके प्रगति का प्रतीक है ट्रैक्टर। इसलिए किसान मोर्चा किसानों को संदेश देने के लिए कि हमें शौर्यशाली बनना चाहिए, प्रगतिशाली बनना चाहिए, उन्नति अपना करना चाहिए, इसलिए किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में सभी जिला जनपदों में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक विशाल किसान ट्रैक्टर रैलियां अलग अलग तिथियों में निकाली जाएगी, जिसका उद्घाटन जनपद मऊ से हो रहा है और समापन ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी। लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ विजय इंटरनेशनल स्कूल में किया, जबकि इस प्रतियोगिता की शुरुआत कबड्डी के साथ हुई। इस दौरान सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसका फाइनल 27 और 28 तारीख को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। देखिए सांसद खेल स्पर्धा फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र, इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, खो खो, क्रिकेट और कुश्ती, इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक हैं तो पहले ब्लॉक लेवल, जो तहसील में दो दो तीन तीन ब्लॉक हैं तो पहले तहसील केंद्र पर एक स्थान पर ब्लॉक की टीमें खेल रही हैं, फिर फाइनल 28 तारीख को एकलव्य स्टेडियम आगरा में सभी खेलों का होगा और उसमें सभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, मेडल्स भी दिए जाएंगे और ये खेल का आयोजन हर वर्ष हो। आजमगढ़ में सपा के नेताओं ने पुलिस को चकमा देकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुंचकर सांकेतिक रूप से फूलों की बरसात करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जिसके बाद सपा के लोगों ने एक्सप्रेसवे पर साइकिल यात्रा भी निकाली। इस दौरान सपा विधायक नफीस अहमद ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला और इसको बनाने का काम अखिलेश यादव ने अपने काल में किया था और समाजवादी एक्सप्रेसवे की पूर्वांचल को एक सौगात दी थी। देखिए वो लोग तो काम पर काम पर उद्घाटन कर रहे हैं, सपा की सरकार में ही बना था, स्वीकृत हुआ था, टेंडर भी हो गया, किसानों का जो मुआवजा था पूरा मुआवजा भी माननीय अखिलेश यादव ने दे दिया अपने शासनकाल में, अब टेंडर हो गया था, कंपनी को ठीका भी मिल गया, अब टोटल पैसा ठीका उनको कंपनी को चला गया था बनवाने के लिए। अब इसमें ये है कि ये तो जो सड़क बनाए हैं इनकी जो पुल हो गया कि उनको बनाना ही मजबूरी थी, तब इसमें ये है कि ये उद्घाटन कर रहे हैं, काम हमारा है। ताजनगरी आगरा में आज समाजवादी पार्टी महिला सभा ने महिला जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सपा महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव पहुंची और इस दौरान वंदना यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा सरकार में महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही मौजूदा भाजपा सरकार में महिलाओं और छात्राओं के उत्पीड़न पर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। आज महिला सभा की आगरा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव जी, कुसुम लता यादव जी जिलाध्यक्ष महिला सभा के नेतृत्व में
आज महिला सभा का एक गोष्ठी की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव रहीं। हमारे समाजवादी पार्टी के सभी महासचिव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रामसाय यादव जी, महासचिव पिंटू यादव जी, ममता टपलू जी और महिला सभा की उपाध्यक्ष, जिला सचिव और विधानसभा अध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण रहे, आज महिलाओं ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के साथ अत्याचार किए हैं, उनके जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि महिला को हम आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, उन भारतीय जनता पार्टी के झूठे जो वादे रहे हैं, आज महिलाओं ने ये संकल्प लिया है। महिला सभा का कार्यक्रम है, मैं आगरा जिले में मेरा आना हुआ है। हम यहाँ महिलाओं को जागरूक करने का हमारा उद्देश्य है, महिलाओं तक समाजवादी की रीति नीति पहुँचाने का। जो बीजेपी सरकार में महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे किसान भाई सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सक रहे हैं, कोविड के चलते स्कूलें बंद कर दी गई, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, गरीब मजदूर परेशान हैं। तो इन सब मुद्दे से उनकी समस्या जानने, उन तक बात करने, संवाद करने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश पहुँचाने। बुलंदशहर में कंपोस्ट खाद की बजाय कैरम की गोटियां सप्लाई करने पर फ्लिपकार्ट के सप्लायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये शिकायत भाजपा आईटी सेल के क्षेत्रीय सदस्य ने धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज कराई है, जिसके घर कंपोस्ट खाद की जगह कैरम की गोटियां सप्लाई की गई हैं। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कराया गया है। खाद की जगह कैरम की गोटियां सप्लाई की गई है, जिसके बाद मैं सीमांत किसान हूं, मेरी खेती बाड़ी है, मैंने उसके लिए सब्जियों के लिए वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बोलते हैं जैसे, वो मंगाया था। उनका 8.5 किलो का पैकेट था, रेट मुझे अच्छे लगे, तो फ्लिपकार्ट के माध्यम से मैंने उसका अग्रिम भुगतान भी कर दिया था और 16 अक्टूबर 2021 को मैंने ऑर्डर किया। 20 अक्टूबर को मेरी अनुपस्थिति में घर पर एक फ्लिपकार्ट के माध्यम से पार्सल आया। मैंने आकर जब वो खोला तो उसके अंदर कैरम की गोटी निकली। मैंने कई बार कस्टमर केयर संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका सामान पहुंच जाएगा, वरना आपके पैसे आपके खाते में सेम चैनल से वापस हो जाएंगे। लेकिन ना ही पैसे पहुंचे और ना ही मेरा सामान। शाहजहाँपुर में डीसीबी के अध्यक्ष ने मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल एटीएम वैन शहर से दूर बसे गांवों में जाएगी, जहां पर खाताधारक बिना बैंक आए अपने खाते से पैसे की जमा और निकासी इसी वैन से कर पाएंगे। साथ ही ग्रामीण जिला सहकारी बैंक में अपना खाता भी इसी वैन पर खुलवा सकेंगे। इस मोबाइल एटीएम वैन में 3 बैंक कर्मचारियों का स्टाफ होगा। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौड़ ने बैंक की मेन ब्रांच से मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर गांव-गांव के लिए रवाना किया। साथ ही डीसीबी के चेयरमैन डीपीएस राठौड़ ने बताया कि अभी जिले में ये एक ही वैन है, लेकिन अगर इसका रिस्पांस अच्छा मिला तो और भी वैन चलाई जाएंगी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें अब ठंड में रात गुजारनी पड़ रही है। जिला प्रशासन की तरफ से जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें तैयार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को रैन बसेरे में सोने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। राजस्थान से आए कुछ श्रमिकों का कहना है कि वो मजदूरी करने के लिए शहर में आए थे, लेकिन अभी तक ना तो उन्हें कोई रोजगार मिला है और ना ही रैन बसेरे में रहने की जगह, इसलिए खुले आसमान के नीचे उन्हें रात गुजारनी पड़ रही है। काम के लिए आए थे, काम मिला नहीं है, इसके लिए इतने मजबूरी में फंस रहे, खूब जोर से मांग तुंग के खाकर पड़े सब। तो कोई व्यवस्था नहीं बनी आ रही? नहीं बनी अभी, रैन बसेरा खुल नहीं रहे? नहीं खुला अभी, नहीं खुल रहा। तो यहाँ आप सोते, ठंड नहीं लगती? लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, क्या करें। तो कैसे गुजारा?
फतेहपुर के छिबलहा और अहिंदा के कंपोजिट विद्यालय में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं थानाध्यक्ष अश्विनी सिंह ने कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। कांस्टेबल निकिता सिंह ने वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जानकारी देते हुए महिलाओं को आत्मरक्षा, सम्मान और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। अयोध्या के बीकापुर तहसील में मछली पालने के लिए तालाब का पट्टा देने के मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जहां पट्टा आवंटन के बहाने जहां पर एक ओर ग्रामीणों को तहसील में तारीख पर तारीख मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर चहेतों को तालाब आवंटन करके बड़े पैमाने पर राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश वर्मा ने स्थानीय तहसील प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि तहसील में तालाब आवंटन प्रक्रिया में शामिल राजस्व सुविधा शुल्क के आधार पर गैर पात्रों को लाभ दे रहे हैं, जबकि पात्र लोग तहसील का चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग अपना 2-3 घंटे अपना इंतजार किए, लगभग 4-4.30 बजे तक ये लोग इंतजार किए। फिर उसके बाद 9 तारीख को जब हम लोग यहाँ पर आए, सुबह हम लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद जब बोली लगी तो वहाँ तहसीलदार जी द्वारा ये कहा गया कि इस तालाब का पट्टा जो कि 18 खा है और 278 ईयर रकबा है उसका, हरदासपुर में स्थित है, तो तहसीलदार द्वारा ये कहा गया कि हमीरपुर के सदर कोतवाली के रानी लक्ष्मीबाई चौराहे में खूनी हाईवे के नाम से मशहूर कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता को गंभीर हालत में सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। करीब 24 घंटे के भीतर ही इस हाईवे ने आधा दर्जन लोगों की जान ले ली है। हाईवे पर डिवाइडर नहीं होने की वजह से हुए इस हादसे में ये मौतें हुई हैं। फतेहपुर जनपद के छिवलहा कस्बे के कंपोजिट विद्यालय को पंचांग कार्यालय में प्रथम स्थान मिला है। इसी पर ग्राम प्रधान मोहम्मद हलीम ने विद्यालय में होने वाली प्रार्थना के समय पहुंचकर सर्वप्रथम प्रधानाध्यापिका रानी गुप्ता के साथ समस्त स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दी। उसके बाद विद्यालय में उपस्थित करीब 130 छात्र छात्राओं को ग्राम प्रधान ने मिठाई और फल वितरित किए। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि मेराजुल हसन और विद्यालय के अध्यापक भी उपस्थित रहे। फरुखाबाद थाना नवाबगंज के गांव कुतुबुद्दीनपुर में दबंगों की फायरिंग में एक महिला घायल हो गई, जहां गंभीर हालत में महिला को लोहिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। ग्राम कुतुबुद्दीनपुर थाना नवाबगंज में रिंकू यादव पुत्र प्रामीर यादव ने करीब 2 वर्ष पहले अपने गांव के ही प्रवेश यादव पुत्र महेंद्र यादव को 2000 रुपये उधार दिए थे। इस उधार वापसी को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। दिनांक 12/11/2021 को रात्रि लगभग 8 बजे दोनों पक्षों में विवाद, और उस विवाद के दौरान सरोजनी देवी पत्नी रामवीर यादव सर, वो 2-3 दिन पहले गोलीबाजी हुई थी, मैं घर पर थे, मैं इधर उधर दौड़ रहे थे, मगर कल मैं घर पर था, मेरी भाभी लेटरिंग करने गई और वहाँ लेटिंग करने के बाद मैं वहाँ हरिंगबाजी हुई और मैं दौड़ के गया, मेरे बीवी बच्चा वो भी दौड़ के गए वहाँ। किसने फायरिंग की? और ये सर मैंने देखा, रात में टाइम था, मैं देखा दौड़ के तो तक वो भाग गए लोग। नहीं, फायरिंग किसने की? फायरिंग रिंकू सर्वेश। कहाँ के रहने? चंदौली में NH2 के किनारे बने ढाबे के संचालक की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई है। इस पूरी घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि ढाबे के सभी कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। साथ ही इस पूरे मामले में SP ने 3 टीमें गठित करके दावा किया है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। 15/11/2021 को दोपहर में थाना अलीनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना अलीनगर अंतर्गत NH2 पर अवस्थित कालिका धावा एंड फैमिली रेस्टोरेंट के संचालक
श्री विनीत कुमार सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह की हत्या फावड़े से मारकर ढाबा के अंदर ही कर दी गई है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक चंदौली एवं अन्य सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। शाजापुर में एसओजी और आरसी मिशन थाना पुलिस ने मिलकर शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त टीमों ने एक्शन लेते हुए कार से 3 लोगों के साथ 60 किलो चरस को बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए चरस की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है शाजापुर पुलिस को। एसटीएफ उत्तर प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के बारे में सूचना थी और यह प्राप्त हुई सूचना कि वो उनकी लोकेशन यहाँ जनपद शाहजहाँपुर में है। इस पर इस इंफॉर्मेशन को एसटीएफ द्वारा शेयर किया गया और यहाँ से एसओजी और थाना रामचंद मिशन की टीम साथ में उनके असिस्टेंट थी। जब ये थाना रामचंद मिशन क्षेत्र में ये गाड़ी से जा रहे थे तो उस वक्त इनको इंटरसेप्ट किया गया और नियमानुसार इनकी तलाशी ली गई और इस गाड़ी में जो कैविटी बनी थी उससे 60 किलो चरस बरामद की गई जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें जो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।